ए भाई नया ही है ना सुन अभी तो जब वो तक कह ए दादा का कह तर कुछ निमन कह हमारा पूर्व शख से बड़ा डर लगे ला। तो वो मौगी कही कि को बात जननी हो तो हाँ जननी हो तो देख ली मुड़ी गड़ा का चल तले बुझाते ना कैसन कांड कोरी तले इतने बतिया कर दबर में तीसर की मेहरा चले तू कही अका जी का बतिया वतनी लो ती कहे बाप रे बापावली जब खेला करी जानते ना हुए ये ओकरी घर रोज आवलिए जाली। तू मौगी कही ए में खेला का कर बजी ओकर खानदानी कुल चल आवता इे कहले सकर मैं इस वक्त गोपालगंज में मौजूद हूं और हमारे साथ जिस शख्स को आप देख रहे हैं फ्रेम में, नाम सुनील यादव है। मुझे लगता है कि इनकी पहचान कराने की जरूरत नहीं, अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो कहीं ना कहीं इनको आप जरूर देखे होंगे। तो आज इनसे हम ढेर सारा बातचीत करेंगे और समझेंगे जानेंगे कि आखिर इनका अब तक का जो जर्नी था कैसा रहा और आखिर ऐसा मन में क्या आया कि ये महिलाओं की तरह बातें करना इन्होंने शुरू कर दिया। सुनील जी सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। जितने भी इस चैनल के माध्यम से जो भी देखे वाला बा हमार चाचा चाची हमार खास करके भौजी लो और हमार भाई लो सबके सादर प्रणाम बा। ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहें लो। देखिए भैया आज बनी बड़ा अच्छा लगा था बड़ा दूर से जो कि हम सोचते रहिए कि हमरों लगे कब मीडियो वाला लो आयत लो। अच्छा। आज हमारा सपना हमारे भाई लोग पूरा कर दिए। आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। आजमगढ़ से हो आप सोचेंगे मैं आजमगढ़ से आया हूँ इनका इंटरव्यू करने के लिए और गोपालगंज में हूँ तो दूरी को समझ सकते हैं। कुछ तो खास पर्सनल मिलने की लालसा थी जिज्ञासा थी और कुछ बातें इनसे किया जाए। आप इस गेटअप में हैं हालांकि आपकी सारी वीडियो वो सब पल्लू वाला था है ना, तो ऐसा नहीं ना कि मतलब कोई पहचान ना पाए आपको? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लोग पहचान जाते हैं। कुछ तो कहीं कहीं जाते हैं ना तो आवाज से भी लोग हमको जान जाते हैं। जैसे कहीं जब तक नहीं बोलेंगे तब तक अपने में बोलते हैं और लड़का बाबी डिबा बनावे ला। जब हम बोलते हैं का हाल बताओ अरे बाप रे पी है बाबू हो ये दादा तो अच्छा लगता है सब। हाँ जी। क्या मन में आया कि इस तरीके से जैसे पहले हम डांस का काम करते थे सिंगिंग का काम करते थे मेरा वीडियो वायरल ना होते रहे जैसे लोग ना पसंद कर पाते रहे थे। फिर से एक बाइक हमारा दिमाग में आई ली चीज की अरे यार तो सब घर घर सभे नचनिया हो गई। आजकल देखो तो नहीं हमनियों के घरे हम केहू के नाम नहीं खिले हमनियों के घरे जब माटी उटी कोड़ा तब ब्याह शादी में तो हमने के बेटी बहन खूब नाचत रही खूब जम के नाचती सबके घर ही कुल काम होता तो नाच के महत्व तो कम हो गए। तो हम सोचने की यार हमारे के वीडियो ने कुछ नया मार्केट में लिया बहुत ज्यादा जरूरी बा। फिर से अपन बुजुर्ग लोग के जितना भी हमने के काकी मौसी फुआ लो जन बात कर ले लो वही बात के हम डल्ले बनी कुछ अपना तरीका से बोल के जन के हमारे वीडियो वायरल हो गए। अब भैया लोग के सबके प्यार आशीर्वाद मिले लगा। का पहला वीडियो जन वायरल भइल है? इससे पहला वीडियो हम डल्ले रहने की क्योंकि पेट में पानी पहुँचेला ना जैसे मेहरारू कुल से कह दल जला जैसे मेहरारू जैसे सही गा मच्छो बोल लेना क्यों चीन ही ना हमारा के सही रह रखो जैसे मेहरारू कहली सा ए उमरावती का माई देख हम तोरे से एगो बात कहतनी कैसे कहिए तू मैं कही माँ हमारा कौन जो पे कहला करे हम ही हे कान से सुने नहीं हे कान से निकाल दिले आई इतने बतिया कह के रोरा मार्केट चल जाए। जब मार्केट से आपस आब ना तो रास्ता में तीन चार गो लोग कही का हो गाँव में कैसन हाला भइल भाई बात सही है तू कह ना ऐसा तो कोनो बात नहीं खे तनि सौरी आगे बढ़ब तो गौरी आदमी कही का हो गांव में कैसन हाला करल बड़े बिल्कुल बात सब सही बानू तो बाकी वो आदमी के ना ना बताई कि बतिया कहले के बा। तू सोच बकरी हम ही मेहरारू से बात कहले बनी पूरा गांव भर के लोग कैसे जान गोल बा आ घर जाके कहब का रे मरौतिया के माई का गो तोरा सन एगो बात कहती तो बिया नियर पूरा गांव में बोदले बड़े रे। तू मौगी कही ए मेहरारू हम काय की कुल बात कही हो उ तो बाते बात में आवत रहुए न तो मुँह में से निकल गए। एगो हम वीडियो डाल रहे जन की बहुत ढेर सारा प्यार आशीर्वाद मिलल रात रात में हमारे 1 मिलियन भरे जन की हमारे सपना रहे कि 1 मिलियन कहिया हम देखो वो आप सब ने पूरा किया। सोशल मीडिया पर अगर 1 मिलियन व्यूज अगर किसी वीडियो पे आ जाए तो एक बड़ी उपलब्धि होती है एक सोशल क्रिएटर के लिए, खास करके मेरे लिए और क्योंकि हम ए 1 के जिस दिन आया था मेरा व्यूज 1 के मेरा रिकॉर्ड है मैंने स्क्रीनशॉट मार के रखा है यही जगह है। हमें जब घर से थोड़ा सा पर्सनली कुछ लेकर के हो गया था तो हमको घर से निकाल दे भी गया था एक ऐसा टाइम था तो हम यहीं पे सोए थे तो उस रात को मेरा 1 के व्यूज गया था। हमने रात भर नहीं सोया मैंने बोला कि माता जी हमको देख रही हैं मेरा दुख दर्द मेरा आज हमको लोग 1000 लोग देख लिए तो हम बड़ा खुश थे 1000 जब आया था तो। मगर जिस दिन 1 मिलियन आया उस दिन तो लगता था कि जितने लोग हमको देखे ना सबका जाके एक बार हम पैर छू लें जी। इस तरीके से बातचीत करते हैं तो आखिर जिसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ लोग भी जानना चाह रहे हैं कि आखिर ऐसा मन में मतलब आया क्या कि मतलब औरतों की ही मिमिक्री मुझे करना है।
जिसे एक मेरा दोस्त है, तो उसने बोला ना कि सुनील तुम बड़ा अच्छा अच्छा कभी औरतों की तरह तुम बोलते हो, आज तक अभी तक एक सोशल मीडिया पे किसी ने डाला नहीं है, तुम एक चीज बनाओ, तुम यही चीज बोल के अपने आईडी पर डालो, एक बार डाल के देखो मेरा बात सही हुआ कि तुम वायरल हो जाओगे। फिर हमने सोचा समझा, उस वीडियो को हमने डाला, आज सबका प्यार आशीर्वाद मिलने लगा। कहाँ से मन में ये जो क्रिएशन करते हैं, जो बनाते हैं कि मतलब आज ही मुझे इस टॉपिक पे बात करना है, वो कहाँ से आता है? जैसे हम दुकान भी हमेशा परमानेंट चलाते रहते हैं, अब तो भैया लोगों का इतना आशीर्वाद प्यार मिलता है कि कभी दुकान पे नहीं बैठ पाते हैं, इसीलिए मेरे वीडियो में लेट भी हो रहा है। तो हम दुकान पे जब बैठते तो औरतें आती है ना, तो बातूत भी करती हैं, तो उसी चीज़ में गैस करता हूँ कि देखो कैसे बोली है, कैसे क्या की है, शायद उसमें हम कुछ और अपने तरीका से अच्छा डाल दें कि लोगों को अच्छा लगे। अंत में एक हम टॉपिक से बोलते हैं जो लोगों को हंसने के लिए, उस वीडियो से उस चीज को जुड़ा रहता है, वही चीज हम डालते हैं, सबको अच्छा लगता है। दुकान पे कोई महिला आई हो जिसको आप जिसकी बातों को अपनी, सबसे बड़ी बात है कि तो हमारे घर में भी हो रहा है, जो हम बोलते हैं ना वो हमारी मौसी, फूआ, बुढ़िया फूआ, काकी, ये लोग पहले से लोग बोल चुके हैं। आज ना लोग फैशन में आकर सारा चीज सब चीज भूल गए हैं, कल भी वही चीज था जो हम लोग स्कूल जाते थे तो रुमाल में नमक रोटी लपेट के हमको मम्मी पापा लोग देते थे, आज ना फैशन आ गया मैगी बन जा रहा है, हमारा बच्चा टिफिन में लेके चला जा रहा है। हाँ, तो वो भी दिन हमको याद है, उसी चीज को हमने बना के कुछ डालते हैं जो लोगों को पसंद आता है, लोग भी सोचते हैं कि जो डूब रहा था वो सुनील हमको उजागर कर रहा है। गांव की कोई ऐसी बात जिसे आपने, गांव की कुछ ऐसी महिलाओं की बातें जो आपने सोशल मीडिया पे उसे पोस्ट किया हो अपने अंदाज में, जिसे ये मेरे आंख से देखे भी हैं सुने भी हैं, हमारे गांव का ही अगल बगल का बात है नाम नहीं रखेंगे नहीं तो हम लोग ऐसा कर यार जैसे गांव में कोनो मेहरारू जैसे लेकर लेकिन अपनी प्यार की कमियाबी जो पा जाला सन, जैसे भाग जाला सन, तो मर्दन के कम भीड़ रहेला, मेहरारून के ज्यादा भीड़ रहते, मेहरारू कहली सन ए बहना आई है ना सुन अभी, तो जब वो तक कहे ए का कह तर कुछ निम्न कहे, हमारा पूर्वा शख्स से बड़ा डर लगे ला, तो वो मौगी कही कि गो बात जननी हो तो हाँ जननी हो तो देख लू मूढ़ी गड़ा का चल तरले बुझातन ले कैसन कांड कोरे तले इतने बतिया कर दबर में तीसर की मेहरा रू चली, तू कही अका जी का बतिया वत नहीं लो ती कहे बाप रे बापा लिए जब खेला करी जानते ना हुए ये ओकर घर रोज आवे लिए जाली, तू मौगी कही ए में खेला का कर कबजी ओकर खानदानी कुल चल आवता इहो कहले सकर कैलाश तो एगो वीडियो से हम एगो उद्देश्य भी भेजले रहनी, जितना नया हमारे लड़का लेकिन बालो बहन लो बालो चाहे भाई लो बालो, कि आप लोग कुछ गलती मत कीजिएगा कि उस गलती का वजह हमारे परिवार पे उठे अंगुली। हाँ, इस वीडियो से एक संदेश भी गया है हाँ कि हम लोग तो करके चले जाते हैं पर जो हमारे पीछे वाले हमारे बड़े भैया हो गए, पापा हो गए, दादा हो गए, उन लोग को सुनना पड़ता है जिंदगी भर। बिल्कुल हाँ, ये गांव की महिलाएं थी जो 40 से 50 साल के ऊपर की थी, बैठ करके आपस में इस तरीके से बातें करती हैं। कभी मैं किसी नवेली दुल्हन की भी कॉपी किया है आपने? हाँ ये रियल घटना था, हमने रियल घटना को हमको उस टाइम समझ में नहीं आया, हमने जहाँ गया था ना प्रोग्राम में तो वहाँ पे इस चीज़ को हमने देखा, आ जाके सुबह बोल दिया उस गांव का नाम रख करके, बाप रे बाप कमेंट मन हो गया तो 17-18 हज़ार आ गए, कहो तो हमारी गाँव का बदनाम करते रहो, हम समझ नहीं पाए। फिर हमने बोला कि यार गाँव का बदनाम नहीं किया, आपके गाँव का तारीफ हम किए हैं उस चीज़ में कि वहाँ के लोग ऐसे ऐसे बोले हैं, जैसे वहाँ पर हम गए ना जब तो हमको लोग बोले कि सुनील यहीं पर बैठिए हम आपको खाना ला के खिलाए, हम ना अभी भी मेरा वही आदत है कि हम लोगों में जाके खाते हैं, बेशक हम कुछ भी हो गए चाहे नहीं हो हम लोगों से बड़ा जुड़े रहते हैं, वो लोग बोले कि ना हम ना 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 हम वही जाके खाते हैं, हम गए नहीं जब खाए ना तो वही कोनिया जिसे जाते रहे खाना खाए, आजकल बफर सिस्टम सबके घर लग रहा है, चाउमीन अगद बरगद के मार लग जाता तो वही वो कोनिया जाते रहेंगे जैसे घू काट के खाना खाए, तो वही में ओकर फुआ जी पिछवा से जाते रहिए बूढ़ पुरानिया ओहो खाना खाए, तो कहले कोनिया माँ के फुआ जाए ओले कहाँ जाते नहीं पड़े चाट चाउमीन खाली बाद में खाना खाए, तो बुढ़िया कहते का कहते रू बाबू तो ना बाद में खाना खाए नहीं पड़े चाउमीन खा ली, तो बुढ़िया कहती है ये दादा हो निकुल केचुआ मेचुआ ना खाइल हो ये कुल हमार नोतिया बड़ी खा लो सो हमार पतोहिया हमारे बाबू से मंगा का गोब गोब ली ले ले ये भी हम वीडियो डाले थे जो कि 8 घंटा में 1 मिलियन गया था, 8 घंटे में 1 मिलियन जी अच्छा लगा।